उबर दुनिया के 850 से ज्यादा शहरों में जो हर रोज लगभग 15 करोड़ राइड्स करता है। ये ऐसा है कि मानो दिल्ली और बैंगलोर की पूरी आबादी हर रोज उबर यूज करती है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकी और बुक टू चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं दुनिया के कुछ बेहतरीन थिंकर्स, एक्सपर्ट्स एंड अचीवर्स की फाइनेस्ट बुक्स और आइडिया से। हम आज बात कर रहे हैं उबर की। 2009 में ट्रेविस कैलेनिक नाम के एक बिजनेसमैन जो पेरिस में अपने दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, एक शाम को अपने होटल की तरफ जाते टाइम उनको कोई टैक्सी नहीं मिली तो वो पैदल ही अपने होटल की तरफ जा रहे थे। उनके दोस्त ने कहा कि कितना ही अच्छा होता कि अगर मोबाइल पर एक बटन दबाते ही कोई कैब मिल जाती। ट्रेविस को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, बटन दबाते ही आपको एक कैब पिकअप कर ले और आपको जहां जाना है वहां ले जाए। उन्होंने ये भी सोचा कि बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे जब उनको कोई टैक्सी नहीं मिलती। इस थॉट से शुरुआत हुई उबर की। दोस्तों, हर एक बड़े बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही होती, एक प्रॉब्लम से, जहां बाकी लोग या तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं या उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं एक बिजनेसमैन उस प्रॉब्लम को ना सिर्फ अपने लिए पर जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन सबके लिए सॉल्व कैसे किया जाए ये सोचता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। 2009 में सैन फ्रांसिस्को से उबर ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जहां टैक्सी मॉडल जो एक ऑफलाइन मॉडल था वो अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया। उबर से पहले अमेरिका और दुनिया के सारे बड़े शहरों में टैक्सी से लोग ट्रैवल करते थे, पर टैक्सी में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि हर बार और हर जगह और 2400 घंटे आपको शायद टैक्सी ना मिले। टैक्सी के लिए वेट करना पड़ता था और टैक्सी आपको ढूंढनी पड़ती थी। उबर के आने के बाद ये सारी दिक्कतें एकदम से सॉल्व हो गई। आप अपने फोन से कभी भी टैक्सी बुला सकते थे और बहुत ही रीजनेबल फेयर पर। शुरू में लोगों ने जब इस सर्विस को एक्सपीरियंस किया तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उबर की इमेज शुरुआती दिनों में एक रॉबिनहुड जैसी थी, जहां एक तरफ वो अथॉरिटीज को बेवकूफ बनाते हुए उनको चैलेंज करते थे कि अगर वो उनको रोक सकते हैं तो रोक लें। ये इसलिए था क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग कानून थे वो टैक्सी इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बनाए गए, जिसके लिए काफी तरह की परमिट्स और परमिशन को फॉलो करना पड़ता। बट उबर के आते ही कोई भी अपनी गाड़ी जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो उबर में गाड़ी चला सकता था। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को उबर के बारे में पता चलता उनको कन्वीनियंस की वजह से उबर बहुत पसंद आई। ना सिर्फ उबर बुलाना आसान था बट इसके फेयर भी बहुत सस्ते थे। यही वो रीजन है जिसकी वजह से सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और चैलेंजेस के बावजूद भी ट्रांसपोर्टेशन में उबर ग्लोबल लीडर बन गया। जब भी उबर ने किसी नई सिटी में एंटर किया तो उनकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत तेजी से हुई। कस्टमर्स को ऐप पर दिखने वाली कार्स काफी एक्साइटिंग लगती थी, कैश ना देने का झंझट और कभी भी उबर बुक करने की फैसिलिटी से कस्टमर्स काफी खुश थे। और ड्राइवर्स के लिए उबर ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल दी थी, अपनी मर्जी से काम कर सकते थे, शुरू करना और बंद करना जब वो चाहे। साथ के साथ बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलते थे। शुरू में उबर ने स्मार्टफोन भी फ्री दिए जिसमें ड्राइवर देख सकते थे कि उनकी बुकिंग कहाँ से आई है। ड्राइवर्स और राइडर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। राइडर्स के लिए ऐसा था कि जैसे आपको एक पर्सनल ड्राइवर मिल गया हो जो आप जब चाहो बुला सकते हो। ड्राइवर्स को ज्यादा ट्रिप्स करने के लिए इंसेंटिव दिए जाते थे। जैसे जैसे उबर का बिजनेस बढ़ता गया और वो नई नई सिटीज एक्सपैंड करते गए, वैसे वैसे उबर ने और इन्वेस्टमेंट रेज की। उबर ने $20 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज की है। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद उबर ने बहुत अच्छे टैलेंट को अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों से हायर किया ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को बेस्ट बना सके। उबर ने ग्रोथ का एक मॉडल तैयार कर लिया। हर नए शहर में जहां उबर अपना बिजनेस शुरू करता वहां एक लोकल टीम हायर की जाती जो हाईली एम्बिशियस हो 12 से 14 घंटे काम करने के लिए। ये टीम फिर कंटिन्यूअसली नए ड्राइवर्स को उबर में आने के लिए रिक्रूट करती। ये लोकल टीम न सिर्फ हार्ड वर्किंग थी पर जरूरत पड़ने पर रूल्स और लॉज को इग्नोर करके भी काम करने के लिए तैयार थी। उबर दुनिया की सबसे पहली मोबाइल ओनली $multi-billion कंपनी बन गई थी। तेजी से ग्रो करते हुए उबर ने काफी बार कई सारे रूल्स से बाहर जाकर भी काम किया। उबर ने टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम था हेल्प।
इस टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका में उनके कंपटीशन लिफ्ट के ड्राइवर्स को वो ट्रैक करते थे और फिर उनको सिस्टमैटिकली टारगेट करके इंसेंटिव से अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता था कि वो लिफ्ट छोड़कर सिर्फ उबर में ड्राइव करें। ऐसा ही कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उनके कॉम्पिटिशन गो कैच के साथ भी किया। यह रीजन था कि जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ पर काफी असर पड़ा। रेगुलेटर से बचने के लिए उबर ने एक्स CIA और FBI के एजेंट्स को हायर किया। इस टीम का काम था पॉलिसी मेकर्स की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना ताकि जरूरत पड़ने पर इसे यूज किया जा सके। बेस्ट लीडर और पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग भी की ताकि पॉलिसी मेकर्स इसके इंटरेस्ट का ध्यान रखे। प्रजाओं से काफी सारी जगहों पे पॉलिसीज को अपने फेवर में बनाने में सफल रहा उबर। शुरुआती दिनों में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उबर को ट्रैक करके उसको बंद करवाना चाहते थे, उबर उनको टेक्नोलॉजी की मदद से आइडेंटिफाई करके कुछ ऐसा करते कि उनकी उबर बुक ही ना हो, और अगर वो बुक हो भी जाती थी तो जल्दी कैंसिल हो जाती थी। साथ में ड्राइवर को भी एक सिग्नल मिल जाता था कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने राइड बुक की है। इस तरह उन्होंने अपने ड्राइवर्स को इन रेगुलेटर से बचने में मदद की, और जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस चीज को समझ पाते तब तक उबर सर्विसेज इतनी फेमस हो गई कि उबर को बंद कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। उबर ने बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्टेशन लॉज को वायलेट किया, बट इसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिली। उबर रॉकेट की तरफ बढ़ता ही चला गया, पर उबर में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी। जहां एक तरफ उबर राइडर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इसकी वजह से बहुत शहरों में वायलेंस हुआ। उबर स्टाफ और उबर में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को टारगेट किया गया। बहुत जगह इस सर्विस पर बैन लगने की काफी कोशिश हुई। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर्स जो शुरू शुरू में उबर के बहुत अच्छे इंसेंटिव्स की वजह से काफी खुश थे, धीरे धीरे जैसे उबर के इंसेंटिव्स कम होते गए ड्राइवर्स भी खुश नहीं थे। उबर बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज गूगल और अमेजोन की तरह नहीं था। जिस कंपनी के CEO दिन के 24 घंटे काम कर सकते थे, वो अपने स्टाफ से भी यही एक्सपेक्ट करते। उनका कहना था कि उबर में जॉब जॉब नहीं है बल्कि मिशन है, और जो लोग ऑफिस में लेट बैठकर काम नहीं करना चाहते या वीकेंड पे काम नहीं कर सकते, वो उबर में काम नहीं कर सकते। वर्स्ट अभियाना बाकी था। Waymo claims that Uber possesses stolen trade secrets related to self-driving cars. उबर ब्रांड की रेपुटेशन को एक और मेजर धक्का तब लगा जब उबर किस हद तक अपने कॉम्पिटिटर्स और रेगुलेटर्स की प्राइवेसी को वायलेट करते हुए उन पे नजर रखे हुए था, इस बात का पता चला। उबर के इंटरनल कल्चर पे भी बहुत सवाल उठने लगे। इसी बीच उबर के CEO ट्रैविस का एक वीडियो लीक हुआ जिसमें वो एक ड्राइवर के साथ बहस कर रहे थे। काफी सारी न्यूज चैनल्स पर उबर के बाद एक काफी ऐसे किस्से सामने आए। उबर ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि उबर के CEO ट्रैविस की इमेज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये वो टाइम था जब उबर इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि अगर उबर को बचाना है तो ट्रैविस को बाहर जाना होगा। हालांकि ट्रैविस अभी भी उबर के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, बट सब इन्वेस्टर्स की अपोजिशन से उन्हें कंपनी के CEO पोस्ट से हटा दिया गया। सितंबर 2017 में उबर में एक नए CEO को अपॉइंट किया गया इस मिशन के साथ कि वो उबर को फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे और कंपनी की इमेज भी ठीक करेंगे। हालांकि दारा के आने के बाद काफी चीजें सुधरी, फिर भी उबर हर साल बिलियंस का खर्चा कर रहा था और अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं था। उबर ने बहुत सारी जगहों पर अपने बिजनेस को कंसोलिडेट किया और सिर्फ उन मार्केट्स में जहां वो नंबर वन या नंबर दो है वहीं पर फोकस किया। यही रीजन है कि उबर ने बहुत मार्केट्स में कॉम्पिटिशन्स या हाथ मिला लिए या बिजनेस बेच दिया। इंडिया में भी उबर ने उबर ईट्स का बिजनेस जोमैटो को बेच दिया। 2019 को उबर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है। उबर का विजन है ट्रांसपोर्टेशन सुपर ऐप बनने का, ना सिर्फ लोग बल्कि कोई भी चीज कहीं से कहीं तक ले जाने के लिए सब उबर का इस्तेमाल करे। उबर ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फ्लाइंग टैक्सी
पर भी रिसर्च शुरू कर दिए जो फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट के मेन साधन बन जाएंगे। इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद भी उबर बिजनेस की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में माना जाता है और उबर की सक्सेस का रीजन उनका प्रोडक्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।